तो किसान भाई, जो ये मशीन आप देख रहे हैं, ये भी एक पराल उठाने की मशीन है जो जमीन से पराल वगैरह उठाती है। तो सर इसके बारे में बताइए, सिर्फ पराल उठाती है, पत्ती वगैरह भी उठाती है? पत्ते वगैरह भी उठा लेगी, पत्ती भी उठा लेती है। थोड़ा इसके बताइएगा, उसका सैंपल भी दिखाएगा किस तरह से ये उठाती है और पैक करती है। ये शक्तिमान का स्क्वायर बेलर है 165। अगर आप देखेंगे तो जो फील्ड में जो अवशेष बच जाता है, जो पराल बच जाता है, उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसके लिए आप पहले स्लेशर यूज़ करेंगे, उसके बाद आप रेक यूज़ करके, ये जो रेक आप देख रहे हैं यहाँ पे, इधर देखिए रेक आप जो देख रहे हैं, जब स्लेशर यूज़ करने के बाद रेक को मटेरियल को एक लाइन में लगा के उसके बाद अभी बेलर इसको चलाते हैं। ठीक है सर, ये बताया आपने, पहले ये लगाना होगा, पहले स्लेशर लगाना होगा, स्लेशर जो आगे पड़ा हुआ है वहाँ पे ना, वो स्लेशर लगाना होगा। स्लेशर के बाद आप इसको रेक लगाएंगे, इसको रेकिंग बोलते हैं। ठीक है, रेक लगाने के बाद आप इस बेलर को चलाएंगे। ठीक है, यानी पहले पत्ती को बराबर ले मात्रा में फैलाना होगा खेत में, फैला के फिर ये उठाएगा उसको, एक लाइन में इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने के बाद आप इस बेलर को चलाते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ से वर्क किस तरह से करता है ये? इसमें अपन को 45 HP प्लस ट्रैक्टर चाहिए होता है। ट्रैक्टर से PTO मिलता है इसमें आगे की तरफ यहाँ से, और ये रोटेट करता है ऐसे, यानी ये साइड ट्रैक्टर के साइड में चलता है। हाँ, ये ऑफ साइड बेलर इसे बोलते हैं। इधर ट्रैक्टर रहेगा और इधर ये साइड में चलेगा। इसमें क्या होता है, ये जब इसको यहाँ से ड्राइव मिलता है आगे से, ठीक है, आगे से ड्राइव मिलता है तो ये रोटेट होता है। रोटेट करके सारा मटेरियल अंदर की तरफ जाता है। अंदर से जाने के बाद ये एक फीडर रहता है जो कि अंदर पुश करता है उसमें। ठीक है, आगे इसमें पिस्टन रहता है, वहाँ पे पिस्टन उसको मटेरियल को इकट्ठा करता है और फिर वो आगे बेलिंग होती है उसकी, बंडलिंग होती है। तो पीछे आपने सैंपल रखा, वो भी दिखाएगा किस तरह से ये पैक होकर निकलता है। तो सर भाई, यहाँ से आगे से इसको पत्ती को उठाएगा और पीछे की तरफ ये पैक करके इस तरह का ये सैंपल यहाँ से बेल बनती है, ये निकलेगा। हाँ, यानी ये इस तरह से का निकलेगा, चौकोर टाइप का, चौकुटा ना। हाँ, ये रेक्टेंगुलर शेप का बेल आता है इसमें। हाँ, अगर आप देखें तो मैं इसके थोड़े बहुत फीचर बताता हूँ आपको। ये देखिए इधर से आप, ये इस तरह से यहाँ पैक होकर ऐसे निकलेगा। हाँ, ऐसे निकलता है बेल ये ना। इसमें अगर देखें तो हम लोगों ने एक नोटर फिन दिया हुआ है यहाँ पे मशीन के ऊपर, जो कि जो बाइंडिंग यूनिट होती है, जिसमें ये जो बाइंडिंग यूनिट होती है, बाइंडिंग यूनिट में इसको खोलो मैं, तो सर आपको खोल कर दिखा रहे हैं अंदर से किस तरह से इसके फीचर है। बाकी आप देखिए, ये इस तरह से इसको ऐसे पैक होके पीछे निकलता है। बाकी सर, ये इधर इसका सब यहाँ पे रोकने वगैरह के लिए होगा ना इसको? ये वो है कि जिससे बेल का टाइटनेस आप इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा, छोटा बड़ा भी हो जाएगा साइज? हाँ, टाइटनेस मतलब ज़्यादा भारी बेल आप इससे निकाल सकते हो उसको। अच्छा, बताओ, भारी बन जाएगा वेट उसका। ये देखिए आप, ये जो नोटर है, बाइंडिंग यूनिट इसे बोलते हैं, और इसमें ग्रीसलेस नोटर है ये। इसमें आपको कोई ग्रीस ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द वर्ल्ड क्लास नोटर। उसके ऊपर हमने एक नोटर फैन दिया हुआ है। जब पराली इसमें इकट्ठा होती है, चलती है ना, तो इसमें इकट्ठा हो जाती है, तो नोटर इसको सफाई करने में आसानी रहता है, इजीली साफ हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। सर, ये इसका जो बताया आपने ट्रैक्टर, कितना उस पावर से चाहिए इस पे? इसको 45 HP का ट्रैक्टर चलेगा इसमें। चलेगा इस पे? हाँ। और किसानों को अवेलेबल इंडिया में हो ही रहा है, हर जगह पे अवेलेबल है शक्तिमान का प्रोडक्ट। शक्तिमान का, हर शक्तिमान डीलरशिप पे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें फिर? किसी भी शक्तिमान डीलरशिप पे जाके आप कांटेक्ट किया कर सकते हो, कर सकते हैं, या फिर कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर पे भी आप कॉल कर सकते हो, है ना। तो किसान भाई, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी, बाकी किसानों को भी शेयर करें, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।